हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान, आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस का हमारा 3 पार्ट खत्म हो चुका है, ये सबसे लास्ट पार्ट बचता है, देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो टाइप बनेगा वो चलेगा बेईमान दूध वाला। बेईमान दूध वाले के कहने का मतलब क्या है कि कोई दूध वाला है वो क्या करता है कि ओरिजिनल दूध तो देगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो पानी मिला के देगा, यानी मिलावटी करके आपको देगा। तो वो क्वेश्चन कैसे किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। भाई दूध वाला है वो क्या है, लागत यानी क्रय मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है। उसको मालूम है कि दूध में पानी मिलाना है, वो मिला भी देता है और 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, कोई बेईमान दूध वाला यानी दूध वाला आपके घर पे गया, उसने कहा भैया मुझे तो बहुत जरूरी है, मुझे गांव जाना है, आप जो मेरी लागत लगी है, जो मेरा क्रय मूल्य लगा है, उसी पे आप ये दूध खरीद लो। माना कि वो 100 रुपए का दूध लेके आया, वही कह रहा है कि आप 100 रुपए में दूध ले लो, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, केवल आपको धोखा देने के लिए। वो आपको धोखा दिया, आपने सोचा कि नहीं यार ये तो सच बोल रहा है, ले लेते हैं। बट वो आपको धोखा दिया। कैसे धोखा दिया? उसमें पानी मिलाया हुआ था। आपको तो नहीं मालूम है कि पानी मिला कि नहीं मिला, बट उसको मालूम है कि पानी मिला के आपको दे दिया और उसमें 16 से 2/3% का लाभ भी कमा लिया। अब 16 से 2/3% का लाभ कमाने का मतलब कुछ तो मिश्रण मिलाया होगा, तो वही पूछ रहा है दूध और मिश्रण का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो हमें यह बताइए कि 16 से 2/3% कितना होता है? तो आप तुरंत बोलोगे क्या होता है, 1/6 होता है। नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको बताई थी, मैं हमेशा अभी तक जितना तीनों लेक्चर हुए उसमें मैंने हमेशा आपको बताया कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको हम सीपी कहते हैं या रियल वैल्यू कहते हैं या टोटल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल वैल्यू या टोटल प्राइस कह लो, कुछ भी कह लो, ये चीज होता है। कहने का मतलब क्या है, पहले वो दूध ही तो निकाला होगा गाय से, कि दूध पानी निकाल दिया होगा गाय से, पानी तो नहीं निकालेगा, दूध ही निकालेगा, यानी वो दूध निकाला, यानी एक्चुअल जो मेरी वैल्यू थी वो दूध है। तो हमें ये पता चल गया कि नीचे वाली जो है ये क्या है, दूध, मिल्क। क्यों मिल्क है? क्योंकि एक्चुअल में पहले उसने मिल्क ही निकाला होगा, ऐसा तो नहीं है पानी निकाल दिया होगा। अब दूध में वो 1 ग्राम पानी मिला दिया, या 1 लीटर कहिए, 1 ग्राम कहिए, ये पानी मिला दिया, वाटर। ये वाटर क्या है? लाभ है हमारा। भाई जितना पानी वो मिलाएगा, क्योंकि वो तो बेचा तो मिल्क ना, वो आपको मिल्क है ना, दूध कह के बेचा, ये तो नहीं कहते कहा ना कि मैं पानी भी बेच रहा हूं, नहीं कहा ना, मिल्क कहा ना कि मिल्क बेच रहा हूं। तो मैंने 1 लीटर उसमें पानी मिला दिया, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो आपको मालूम है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो 1/2 है, नीचे वाली वैल्यू सीपी मानते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू लाभ होती है। कब? लाभ के केस में होता है ना। तो वही चीज तो है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारा, पानी है। अब आप एक बात बताओ, इसको पहले देखो, 2 रुपए की वस्तु है और 1 रुपए का लाभ कमा रहा है, तो वो वस्तु कितने की है, 3 रुपए की है ना। तो इसी अनुसार तो ये मिल्क है हमारे पास, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, तो वो कितना मिश्रण हो गया वाटर और मिल्क का, 7 हो गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? यानी इस 7, ये जो संख्या है 7 लीटर जो है, उसमें 6 लीटर तो मिल्क है और 1 लीटर हमारा क्या है, पानी है ना। तो मिश्रण क्या हो जाएगा, मिल्क रेशियो वाटर, क्या मिश्रण हो जाएगा, 6:7। भाई जाहिर सी बात है, वाटर नहीं मिक्स मान लो इसको, मिक्स। और जो इसमें से बचेगा, एक ये जो बच रहा है ये हमारा क्या है, वाटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बस एक क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने बताया
कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो सीपी होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है, और रियल हमारा क्या मिल्क है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारा लाभ है, तो हम जितना उसमें पानी मिलाएंगे वो हमारा लाभ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मिल्क बेच रहे हो ना, इन दोनों का मिश्रण क्या बन गया है साथ भाई, दोनों मिक्स करके हमको मालूम है ना कि मैं मिक्स करके बेच रहा हूं, लेकिन आपको तो मैंने धोखा दिया ना कि मिल्क बेच रहा हूं केवल, तो वही चीज है। तो मिश्रण कितना है सात का, तभी तो ये 16 से 1/3% का लाभ कमा रहा है, इसी कारण कमा रहा है क्योंकि वाटर है इसमें मिला हुआ। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 12 से 1/2% का लाभ भी कमा लेता है। यदि मिश्रण की मात्रा मिक्स जो है उसकी मात्रा 810 लीटर है तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो वो लाभ कितने का कमा रहा है, तो लाभ जो है ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट जो है वो कितने का कमा रहा है, 12 से 1/2% का। यानी 12 से 1/2% कितना होता है हमारा, 1/8 होता है ना, यानी 1/8 है ये। अभी मैंने आपको बताया नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, मिल्क होती है, ऊपर वाली वैल्यू हमारी वाटर होती है, और मिल्क में जैसे ही वाटर मिल गया तो मिक्स हो गया हमारा क्या, जो मिक्स हो गया वो हमारा 9 हो गया ना। तो वो अनुपात हम देखें, यदि मिल्क और मिक्स का तो क्या हो जाएगा, 9:1 कितना जाएगा, सॉरी कितना जाएगा, 8 है ना हमारे पास मिल्क, 8:9 हो जाएगा ना। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है। मिल्क हमारा कितना है, 8 है, इसमें 1 लीटर पानी मिला देंगे तो वो कितने लीटर हो जाएगा, 9 लीटर हो जाएगा। बट क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा है 9 लीटर नहीं कह रहा, वो कितना कह रहा है, 810 लीटर। 9 लीटर नहीं कह रहा, कितना कह रहा है, 810 लीटर, इससे कितना गुना, 90 गुना। तो ऐसे ये भी तो इससे 90 गुना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, तो 90 गुना हो जाए तो कितना जाएगा, 720 और लीटर कितना हो जाएगा, 720 लीटर हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि 720 लीटर दूध था और पानी मिलाने के बाद 810 लीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, आराम से आप करोगे। देखो साफ साफ क्या कह रहा है, साफ साफ यही कह रहा है कि 12 से 1/2% लाभ कमाता है, यानी 1/8 हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। नीचे वाली वैल्यू आप जानते हो मिल्क होती है, अभी मैंने बताया पहले लेक्चर में, वैसे ही ऊपर वाली वैल्यू वाटर होगी, क्यों, क्योंकि वो लाभ कमा रहा है भाई, पानी मिलाते मेरा लाभ बन जाएगा वो। मिक्स क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हो जाएगा ना 9, यानी मिल्क हमारा 8 है, मिक्स हमारा 9 है, तो क्या है हमारे अनुसार तो 9 आ रहा है, जो मिक्स है वाटर और मिल्क का हमारे अनुसार 9 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार 810 दिया हुआ है, इससे 90 गुना। और रेशियो कभी भी यही कहता है, जो इधर मल्टीप्लाई करेंगे वही इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जितने उसके पक्ष होते हैं उसमें वही मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई 90 का किया तो 820 लीटर आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं चले आगे। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन है बट ये दुकानदार वाले आ जाएंगे। अब क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, यदि 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ परसेंट क्या कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको दिखाने के लिए वो 1 किलो का इस्तेमाल करता है। अब 1000 क्यों लिखा गया, आप जानते हो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होता है,
होता है कि नहीं होता है? ये तो सबको मालूम है। यानी आपको दिखाने के लिए 1000 ग्राम उसने आपको तौल के दिया, बट दुकानदार बहुत चालू, उसने क्या किया था कि आपको दिखाने के लिए तो 1000 दिया, बट एक्चुअल में वो 900 ग्राम तौला, एक्चुअल में उसने 900 ग्राम तौला, लेकिन दिखाने के लिए आपको कितने ग्राम का किया ये बताओ, दिखाने के लिए आपको कितने ग्राम का दिखाया? तो 1 किलो दिखाया। बाट ऐसा रखा था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स काटा ऐसा रखा था कि 900 ग्राम उसके नजर में था, बट आपको दिखाने के लिए 1000 किलो, मतलब सॉरी 1000 ग्राम तौल दिया। अब आप एक हमें बात बताओ कि 900 ग्राम और 1000 ग्राम में कुछ डिफरेंट दिख रहा है? दिख रहा है ना, कितने का डिफरेंट दिख रहा है? ये 100 ग्राम का। तो ये 100 ग्राम क्या होगा, इसका लाभ होगा ना? होगा कि नहीं होगा? लाभ होगा ना। नीचे वाली वैल्यू ये क्या है, रियल वैल्यू है कि नहीं? ये वैल्यू रियल है कि नहीं, आप बताओ, रियल वैल्यू है कि नहीं? है, यानी कि ये वास्तविक है कि नहीं? वास्तविक, वास्तविक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा लाभ ऊपर होता है और नीचे वाली वैल्यू रियल वाली नीचे रहती है, या तो सीपी होती है या तो टोटल वैल्यू होती है। ये शुरू से मैं अभी तक आपको बताते आ रहा हूं। तो आप हमें बात बता दो, 100 ग्राम हमारा लाभ है और बटे 900 ग्राम इंटू 100 का मल्टीप्लाई जैसे ही कर देंगे तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज में। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना जाएगा? 11 सही 1/9%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया, कोई भी ज्यादा टफ नहीं बताया। क्लियर हो गया? चले आगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि वो एरर पूर्ण तराजू का उपयोग करे तो 25% का लाभ कमाता है, तो बताइए 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का वजन इस्तेमाल किया होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। पहले तो ये बताओ, 25% का वो लाभ कमाया, यानी ये 25% कितना होता है? तो आप तुरंत कहेंगे 1/4 होता है, होता है ना? यानी कि सिंपल सी चीज, 1/4 ये हमारी रियल वैल्यू है कि नहीं है? है ना, ये हमारी रियल वैल्यू है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, है ना? ऊपर वाली वैल्यू हमारा क्या है, लाभ है, क्योंकि लाभ का केस है। तो क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? माना कि 4 रुपए की कोई चीज थी, या 4 ग्राम था, या 4 किलो मान लो, कुछ भी मान लो, और उस पर 1 किलो का वो लाभ कमाया, 1 किलो या कह लीजिए ग्राम कह लीजिए, तो वो वस्तु कितने में गई होगी? 5 में गई होगी। यहां तक तो क्लियर हुआ भाई, एक जैसे ही लाभ कमाएगा यहां पे, तो ये 5 में जाएगी कि नहीं जाएगा? भाई जो बेचने वाला वस्तु है, 4 वो बेच रहा था, उस पर 1 रुपये लाभ कमाया, तो वो वस्तु 5 में जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? बट क्वेश्चन के अनुसार 5 नहीं कह रहा, वो आपको उल्लू बनाने के लिए वो कितना रखा था, 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम, इससे कितना है, 200 ग्राम ज्यादा, तो ये भी तुम्हारा 200 ग्राम ज्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी उल्लू बनाने के लिए आपको 1000 किलो दिखाया और ये आप 1000 ग्राम दिखाया, बट एक्चुअल में वो 800 ग्राम तौल रहा था। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं भाई? यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ पहले। बिल्कुल सिंपल सा था, वो क्या कह रहा है कि 4 की जगह वो 5 में आपको दे दिया, बट वो आपको उल्लू बना दिया। क्यों उल्लू बनाया? क्योंकि 1000 ग्राम 1 किलो वो आपको तौल के दिखा रहा था, इससे कितना गुना, 200 गुना, तो ऐसे ये भी 200 गुना हो जाएगा, यानी 800 ग्राम उसने टोटल तौला था, बट आपको दिखाने के लिए कितना कर दिया था, 1000 ग्राम। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ ना पांचवा नंबर। अब क्वेश्चन चलते हैं, बहुत प्यारे प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब क्वेश्चन होगा, सब अच्छे से होगा, कोई भी छूटेगा नहीं। चलिए पांचवा नंबर क्या कह रहा है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेच देता है। भाई आप मिठाई लेने गए तो वो 10% लाभ पे आपको बेचा, लेकिन 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम का भार का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ % ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वो देखो कितना होशियार, उसने क्या किया कि 10% लाभ भी कमा लिया और 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम आपको तौल के दे भी दिया, यानी उधर से भी लाभ कमाया। भाई आप ही सोचिए कि मान लीजिए 1 किलो उसने मिठाई आपको तौल के दी, तो उस पर तो कुछ वो लाभ कमाया कमाया, वो तो खाया ही खाया बट तौलने में भी गड़बड़ी कर दी, 1 किलो की जगह 800 ग्राम तौल के दे दिया, तो उसमें भी लाभ कमाया, तो टोटल वो लाभ कितना कमाया वही पूछ रहा है। तो देखिए पांचवा नंबर है ना, हाँ फिफ्थ नंबर है भाई, 1 किलो आपको तौल के दिया यानी 1000 ग्राम आपको तौल के दिया ना, इस पर उसने 10% का लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया, यानी 10% इसका कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1100 हो जाएगा। 1100 होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा ये भी देख लो, 1000 का 10% हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा 1000 × 10/100, 20 से 20 कैंसिल, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, यानी हमारा प्रॉफिट कितना ही है 100 हो गया ना, 1000 पे 100 और जोड़ देंगे तो 1100 हमारा प्रॉफिट कमाया होगा। बट ये होशियारी के कारण आपको 800 ग्राम दिया था ना भाई, एक्चुअल में आपको 800 ग्राम दिया मिठाई जो थी, एक्चुअल में 800 ग्राम दिया बट उसने लाभ कमाने के बाद 1100 ग्राम की मिठाई दिया, क्या दिया आपको दिया, क्यों दिया कि उसमें लाभ कमाने के बाद वो इतना ग्राम मिठाई आपको दे देगा। भाई एक्चुअल में तो 800 ग्राम आपको मिठाई देना था बट उसने लाभ कमाया तो क्या हुआ, उसकी नजर में 1100 ग्राम का मिठाई का पैसा आपसे ले लिया, तो कितने का प्रॉफिट कमाया 300 का ग्राम का कमाएगा ना, तो हमारा ये क्या है, लाभ है कि नहीं है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है 300 यानी लाभ बटे सीपी या एक्चुअल वैल्यू 800 × 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हमें एक बात बता दो प्यारी सी, 1/8 हमारा कितना होता है परसेंटेज में, 12 से 1/2%, यही होता है ना परसेंटेज में। 3 को हम यदि अलग कर दें और 1/8 हम इधर कर दें और मल्टीप्लाई तो है ही उसमें, तो कितना हो जाएगा 3 × 12 से 1/2% होगा कि नहीं होगा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बात है 36, 3/2%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, आराम से करो, समझो एक बात को कि 800 ग्राम आपको मिठाई दे दिया बट उसके नजर में आपने 1100 मिठाई का पैसा भरा, 1100 ग्राम का मिठाई का पैसा भरा, वो तो खुश 1100 ग्राम का मिठाई बेचा, वो 300 ग्राम उसने मार लिया यानी 300 ग्राम उसने कमा लिया, क्या लाभ, बस निकाल दो। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया तो बता दो भाई, यहां तक कोई भी डाउट हो तो आपको बताओ कि हाँ मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पे, कि हाँ भैया मुझे ये डाउट है, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो दिया है, आराम से कमेंट करिए कि हाँ मुझे यहाँ नहीं समझ आया, हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से बेहतर से उस सवाल को समझा सकें। व्हाट्सएप के जरिए हमारा नंबर भी है, उस पर कॉल करिए, टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चले आगे, चलिए एक मिनट इसमें इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो अब छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा आप समझ जाओगे तो क्लियर कर लोगे। क्या कह रहा है, एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पे बेचता है, 20% लाभ पे उसने बेचा। सेम वही क्वेश्चन, 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम का भार का इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। 6 नंबर, जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ भाई। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम होगा, इस पे इसने 20% का लाभ कमा लिया यानी कितना हो गया 1200 होगा ना। और आपको एक्चुअल में तौल के कितना दिया था, वो कितना दिया था 900 ग्राम दिया था ना, एक्चुअल में आपको 900 ग्राम दिया था और पैसा वसूल किया 1200 ग्राम का, एक मतलब 1 किलो 1200 ग्राम का वसूल किया, मतलब 200 ग्राम टोटल कितना हो गया 400 ग्राम उसने लाभ कमा लिया, यानी 400 ग्राम का पैसा उसने कमा लिया। ये क्या होगा हमारा लाभ हो गया पिछले क्वेश्चन जैसे। भाई 900 ग्राम आपको तौल के दिया बट आपसे पैसा वसूल किया 1 किलो 200 ग्राम का, 400 ग्राम का पैसा एक्स्ट्रा वसूल उसने लाभ के रूप में कमा लिया। तो आप जानते हो लाभ बटे एक्चुअल वैल्यू इंटू 100 होगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। आप जानते हो कि 1/9 कितना होता है, तो आप कहोगे 11 से 1/9%, ये तो कहोगे, कुछ और कहोगे नहीं कहोगे ना। यानी 4 ब्रैकेट में इसको जब किया गया तो 1/9 कितना हो जाएगा हमारा 11 से 1/9%, ये तो कहोगे, ये मल्टीप्लाई में होगा, होगा कि नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में 4 अंदर गया तो 44 4/9%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। है क्लियर सवाल, को डाउट है, बिल्कुल सेम ऐसे सवाल है, कोई अंतर नहीं है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चले आगे 7वां नंबर, यहां से टाइप चेंज होगा तो यहां से थोड़ा ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखिए क्या कह रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो लाभ ज्ञात करो, लाभ परसेंट ज्ञात करना कह रहा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो एक बात दिमाग में आप बैठा के रख लीजिएगा, क्या 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, अब वो सेल किया तो सेलिंग प्राइस नहीं रखेंगे वहां पे, उसने साफ साफ ये किया 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर, यानी जो 33 मीटर का कपड़ा बेचा था ना वो 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि क्रय मूल्य जो है, जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो कपड़ा बेचा गया है 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि जो लाभ कमा रहा है वो कितना कमा रहा है 11 मीटर पर। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, जो प्रॉफिट होगा हमारा वो होगा 11, ये तो क्लियर बोल दिया, बट वो जो 33 कह रहा है ना बेचने के लिए वो क्रय मूल्य पे बेचा गया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए यदि वो कहे कि ये कपड़ा जो है बेचा गया, मतलब कोई भी मान ले 10 मीटर कपड़ा बेचने पे 10 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य जैसे कह दे तो जो फर्स्ट वाला होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो बेचने वाली वैल्यू होती है, वही जो नीचे की वैल्यू कहेगा उसी को रखते हैं। यानी पहले वो कह रहा है कि 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी सीपी जो हमारी है वो कितना हो जाएगा 33, यानी 33 मीटर कपड़ा बेचा तो उसको 11 रुपए का लाभ हुआ। अब क्लियर समझ आया, यानी 33 मीटर जैसे कपड़ा बेचेगा तो 11 रुपए का वो लाभ कमा लेगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है। बट ऊपर वाली लाइन जो है वो घुमाने के लिए कहा है कि बेचने का, कि बच्चा कंफ्यूजन हो जाए कि यार बेचा जाएगा तो कैसे आएगा वो चीज, बट ये कपड़ा का दिया हुआ है। नीचे यदि विक्रय मूल्य दिया होता तो विक्रय मूल्य लेके चलते, क्लियर हुआ। अब हमें एक बात बता दो कि लाभ परसेंट हमारा क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या कहता है, तो आप जानते हो क्या होता है, लाभ बटे सीपी इंटू 100
यानी कि 11/33 ये तो होगा, इससे ये कैंसिल इंटू 100 कर लो, इससे ये कैंसिल 1/3 इंटू 100। आप जानते हैं 1/3 क्या होता है हमारा, 33/3%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, देख लीजिए आराम से, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि प्रॉफिट तो उसने 11 कमाया, बट क्रय मूल्य पे कमाया, बेचा जो गया था 33 मीटर कपड़ा वो क्रय मूल्य पे बेचा गया था, तो वो 33 आ गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए। कभी कभी पेन वाले भी बहुत अच्छे आते हैं कि 40 पेन को क्रय मूल्य पे इतने बराबर में बेचा गया, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे आते हैं और सेम इसी पे लगता है, अलग कोई नहीं लगे, लगा के देखेगा, भरोसा मानिए लगा के देखिए आप, पूरा पूरा आपका यही क्वेश्चन आना है, अलग से कुछ नहीं आना। चले आगे, चले आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब एक विक्रय मूल्य पे देख लीजिए, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। वही क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य कहां है ना, यानी एसपी जो हमारी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 33। क्यों? क्योंकि वो विक्रय मूल्य पर बेचने की बात क्या है, यदि क्रय मूल्य के बेचने की बात करता तो क्रय मूल्य पर लिया जाता, और हमें जो लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो सीपी हमारी क्या आ जाएगी, सीपी हमारी क्या आएगी, आप एक बात यहां देखो, सीपी है, एसपी है, ये 33 है, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितने का होगा, 22 का। भाई 11 इसमें घट जाएगा तभी तो होगा, ऐसे देख लो 22 आपके पास रुपए है, 11 रुपए जोड़ोगे तो 33 रुपए का लाभ हो जाएगा, सॉरी 11 रुपए का लाभ है तो 33 रुपए में गया होगा, है कि नहीं, यानी कि हमारा सीपी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बस खेल खत्म, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, 11/22 इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 50%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल क्लियर सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चले आगे, चलिए यहां तक समझ आया कि नहीं आया आप लोग को, आ गया ना, चलिए अभी प्रॉफिट का केस हो गया, एक आपका हानि का भी देख लीजिए, लॉस का भी केस देख लीजिए क्या है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट ज्ञात करो। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, अब क्या कह रहा है, वो लॉस, लॉस कितना का हो रहा है, 11 का। एसपी हमको दे दे, क्योंकि विक्रय मूल्य की बात कह दिया गया है, ऊपर से कोई मतलब नहीं होता, मैं लाइन से मेन बीच की लाइन पकड़नी पड़ती है इसमें, कि विक्रय मूल्य हो रहा है कि क्रय मूल्य हो रहा है। विक्रय मूल्य हमें दे दिया है 33, सीपी हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप एक चार्ट बना लो, जैसे ये बनता है एसपी, ये हमारा 33 है, 11 रुपए का हानि हो रही है, तो वो वस्तु कितने की होगी, 44 रुपए की। भाई 44 में 11 का हानि हो जाएगा तो 33 रुपया आ जाएगा, ये तो आपको क्लियर मालूम है, पहला लेक्चर में बता दिया था मैंने ये सब चीजें, यानी ये कितना हो जाएगा, 44। बस काम खत्म, तो लॉस परसेंटेज हमारा क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, 11/44 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, 1/4 इंटू 100, आप जानते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 25%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया यहाँ पे, चले आ गए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार, क्लियर कर लो, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, आप देख सकते हो। देखो दो मैंने प्रॉफिट का भी बता दिया, एक हानि का भी बता दिया, सीपी भी बता दिया, और विक्रय पे भी बता दिया, बस इसी, इससे ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्लियर हो गया, चले आगे, चलिए अब आता है टेंथ नंबर क्वेश्चन। टेंथ नंबर क्वेश्चन यहां से चेंज होगा, समझिएगा बात को,
यहां से चेंज हो गया सवाल, बात को समझिएगा नहीं तो नहीं समझ आएगा। लिखा हुआ एक व्यक्ति 480 रुपए में दो घड़िया खरीदता है। एक व्यक्ति कोई होगा वो 480 रुपए में दो घड़िया खरीद लिया, वह एक को 15% हानि तथा दूसरे को 19% लाभ पे बेच देता है और पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दामों पर बेची गई है। दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात कीजिए, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। कीमत क्या है? क्रय मूल्य। भाई देखो दोनों तो घड़ी वो खरीद लिया 480 रुपए में, दो घड़ी तो खरीदा, बट एक को 15% पे बेचा और दूसरे को 19% लाभ पे बेच दिया, यानी एक को हानि पे बेच दिया 15% और दूसरे को लाभ को 19% बेच दिया। वो पाया कि जो धन उसका आया वो बराबर आ रहा है, तो घड़ियों का मूल्य क्या हो, सॉरी घड़ियों का मूल्य क्या होगा? देखिए दो घड़ियां हैं P1 और P2, P1 पहली घड़ी एंड P2 दूसरी घड़ी। पहली घड़ी को 15% हानि पे बेचा और दूसरे को 19%, ये हानि मान लो, इधर L लिख दो हानि, 19% P2 लाभ पे बेचा। क्लियर? 100 में से 15% हानि हो जाए तो वो वस्तु कितने की होगी? भाई क्रय मूल्य आप 100 मान के चलते हो हरदम, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, तो 100 मान के चलते कितना हो जाएगा? 85 P1 बराबर 119 P2। अब 119 कैसे आया? क्योंकि लाभ हो रहा है, 100 रुपए में 19 रुपए का लाभ ले लेंगे तो 119 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? बस काम खत्म। लेटर्स को एक तरफ कर लो P1 P2 और नंबर्स को एक तरफ कर लो, 119 बटे 85। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ, तो काट दो, ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा 5 बार। क्लियर हो गया? अब हमें एक बात बता दो कि पहले घड़ी 7 रुपए में जा रही है, दूसरी घड़ी 5 रुपए में जा रही है। पहली घड़ी 7 रुपए में बेचा होगा, दूसरी घड़ी 5 रुपए में बेचा, तो टोटल ये घड़ी कितने रुपए में गई? 12, क्योंकि 12 दोनों का भाई प्राइस था, यानी दोनों का कुल प्राइस जो है 12 रुपए है। इसके अनुसार 12 है बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है? 480 है, इससे कितना गुना? 40 गुना। तो ऐसे ही 7 भी हमारा क्या हो जाएगा? इंटू 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 280। और दूसरा जो है 5 × 40 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200। यानी ये P1 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा और दोनों को जोड़ के देख लो 280 आ रहा है, यानी यही हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? भाई जो इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है वही इसमें भी मल्टीप्लाई किया जाता है, आंसर निकाल दिया। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन एक और करते हैं ऐसे और मजा आएगी। पहले तो ये समझ लो कि क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। भाई पहला और P1 और P2 हमने घड़ियों का क्या मूल्य मान के चले कि हो सकता है ये चीज होगा, ये 15% हानि पे बेचा या 19% लाभ पे बेचा, ये 85 क्यों आ गया? वो इसलिए आया क्योंकि क्रय मूल्य मान के चलते 100 पे 15% का लॉस होने का मतलब 85 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और लाभ होने का मतलब 119 आ जाएगा, 19% लाभ हो रहा है तो 100 पे। P1 upon P2 क्योंकि नंबर्स एक तरफ कर दे, लेटर्स एक तरफ कर दिया, इन दोनों का जो मूल्य है वही तो टोटल घड़ी का मूल्य होगा, यानी 12। हमारे अनुसार तो 12 आ गया बट क्वेश्चन के अनुसार तो ना इंसाफी कर दिया ना, 480 दे रहा, इससे कितना गुना? 40 गुना। जब मैंने देखा इससे 40 गुना है तो ये भी तो 40 गुना होंगे, यानी ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेवंथ नंबर क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने दो घड़ियों को 600 रुपए में खरीदा, पहली घड़ी को 14% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 14% हानि पर बेच देता है। यदि प्रत्येक घड़िया का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली घड़ी का मूल्य क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा 11th नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? दो घड़ियों का मूल्य 600 रुपए है, यानी
पी वन और पी टू मान के मैं चला। पहली जो घड़ी है भाई, पहली घड़ी क्या कह रहा हुआ, पहली घड़ी जो है वो क्या कहा, वो पहली घड़ी यही कह रहा है क्या कि 14% लाभ पे बेची गई। जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे आप करते जाओ, क्या 14% प्रॉफिट पे बेचा गया पी वन, ये क्या है हमारा प्रॉफिट है, और दूसरी घड़ी क्या है 14% पी टू लॉस पे बेचा गया, यानी 114 पी वन बराबर 86 पी टू। क्लियर, पी वन अपॉन पी टू बराबर 114/86। क्लियर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 से काट दो पहले, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से कटा तो ये कितना हो गया 5 और 7 57, और ये नीचे वाला कितना आ जाएगा आपका 4 और 3, ये आ गया। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ आपको कि हाँ मुझे यहां डाउट लग रहा है भाई, मैंने अभी केवल काटा है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा ये चेक कर लेते हैं। दोनों मिला के हमारा कितना हो रहा है 100 हो रहा है, हमारे अनुसार तो 100 आ गया, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना दे रहा था 600। भाई हमारे अनुसार तो 100 दे रहा था ना, बट क्वेश्चन के अनुसार 600 दे रहा है, इससे कितना गुना 6 गुना। तो ऐसे ही पहले जो घड़ी का मूल्य होगा वो क्या कह रहा है कि पहली घड़ी का क्या कह रहा है बेचा और 14%, यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली घड़ी का मूल्य, तो पहली घड़ी का मूल्य क्या 57 रुपए है, तो 57 पी वन मान ले इसको, पी वन बराबर 57 × 6 तो कितना हो जाएगा 42 से लगा 4 5 30 5 30, 30 और 4 कितना हो गया 34, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहां तक देख लो, कोई क्लियर डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ तुम्हें। क्लियर हुआ, 4 ऊपर आ गया 56 30 30 और 4 34, ठीक है क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप, यहां मुझे डाउट हो रहा है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर सवाल है, आराम से किया मैंने, एक एक चीज बता दी आपको, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो 11वां नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, अब जो आएगा वो 12वां नंबर है। 12वां नंबर थोड़ा टाइप चेंज होता है, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टर एलिगेशन लगता है, कि मिस्टर एलिगेशन यानी कि मिश्रण का अनुपात होता है वो लगता है। ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बट क्वेश्चन आप बता देंगे, बट इसका जो ट्रिक होता है, जो इसके सॉल्व करने का मेथड होता है, वो हम उसी चैप्टर में आपको क्लियर पूरा डिटेल से बताएंगे। अभी केवल सवाल देख लो ये 12वां, क्योंकि चूंकि अब आ चुका है इसीलिए 12वां नंबर। 12वां नंबर क्या कह रहा है, एक मिनट। हाँ, दो घड़िया का क्रय मूल्य 840 रुपए है, दो घड़िया हैं उनका क्रय मूल्य 840 रुपए है, एक घड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 12% हानि पे बेचा जाता है, कुल सौदे में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए कभी भी ऐसा मेथड आ जाए तो क्या होता है, पी वन प्रॉफिट पी टू प्रॉफिट, ठीक है, पी वन और पी टू, यानी पहला एक लाभ हो रहा है दूसरा ये हानि हो रहा है, क्लियर। अब वो ये कह रहा है ना इसको लाभ हुआ ना इसको हानि हुई, यानी जीरो हो गया भाई, दोनों का देखा गया तो जीरो हो गया, जो ये नीचे बन के आता वो सी वन और सी टू बन के आता है, यानी कि सी वन यानी कि पहले क्रम मूल्य और दूसरे का क्रम मूल्य आता है, बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट होता है, ये उसी में बताएंगे, बट आप इतना खाली समझ लो। चलिए अब देखो क्या कह रहा है कि पहला वो 16% लाभ पे बेचता है, यानी 16% वो क्या कर रहा है, 16% लाभ पे बेच रहा है,
उसके तथा दूसरी 12% हानि पे बेचता है, 12% हानि पे बेचता है। तो पाता है कि ना उसको लाभ हो रहा है ना उसको हानि हो रही है। जब उसको ना लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है तो जीरो हो गया, बस ये क्रॉस आप कर दीजिए, बस ये संख्या इधर आ जाएगी 12 और ये हमारा क्या हो जाएगा 16, यानी ये C1 और C2 आ गया, यानी CP1 और CP2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 12, 4 × 16, दोनों मिला के, क्योंकि दोनों इसलिए मिल रहा है कि कुल हमारे घड़ियों का घड़ी है ना, हाँ कुल हमारे घड़ियों का मूल्य क्या है 7, हमारे अनुसार तो 7 आ गया, कंफर्म हो गया हमारे अनुसार तो भैया 7 है, कोई डाउट नहीं, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है 840, कितना है 840, इससे कितना गुना 120 गुना, तो ये भी तो इससे 120 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 36, 360, यानी पहला घड़ी होगी जो पहली घड़ी होगी वो कितनी होगी 360 पहली घड़ी, और जो दूसरी घड़ी होगी वो भी तो हमारा 120 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा 480, कितना हो जाएगा 480 दूसरी घड़ी। क्लियर हो गया, और यही इनके आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और जो नए बच्चे अभी हमसे जुड़े हैं आज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, अब जो आएगा वो देखते कौन सा नया एक टॉपिक उठाएंगे अच्छा सा जो आपको समझ आ सके। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने, थैंक यू।